हेलो दोस्तों, टेक्निकल एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सावधि जमा खाता पर ब्याज की गणना। सावधि जमा खाता पर किस प्रकार पर ब्याज की गणना की जाता है, इसको ब्याज की गणना करने के लिए हमारे पास सूत्र है मिश्र धन बराबर मूल धन, एक धन दर बटा सब, और ऊपर भी क्या रहेगा, समय, है ना। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन ब्रैकेट में एक धन दर बटा सब और ब्रैकेट घात कितना रहेगा, समय। इस सूत्र से हम सावधि जमा खाता पर ब्याज की गणना करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोहन ने कृषि विकास बैंक में 50,000 रुपया का 2 वर्ष के लिए सावधि जमा किया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति छमाही बाद संयोजित होता है तो परिपक्वता पर उन्हें बैंक कितना धन देगा। एक बार फिर देखते हैं क्या क्या दिया है। मोहन ने कृषि विकास बैंक में 50,000 रुपया, यहाँ पर मूलधन दिया है, मूलधन दिया है 50,000 रुपया 2 वर्ष के लिए, समय दे दिया है, समय 2 वर्ष, और सावधि जमा किया। यदि ब्याज की दर 10% दर दिया है, 10% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति छह माही बाद संयोजित होता है तो परिपक्वता पर बैंक उसे कितना धन देगा। तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि 6 माही संयोजित करना है, तो 1 साल में 6 माही करेंगे तो 1 साल में क्या होगा, 2 बार आएगा 6 माही, है ना। तो समय में क्या करेंगे, 6 माही संयोजित होता है तो 6 माही में समय में क्या करते हैं, 2 का गुणा, और दर में 2 का क्या करते हैं, भाग। जैसे आपका 6 माही में 2 बार आएगा तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 दोनी कितना होगा, 4 6 माही, और दर में 2 का भाग होगा तो 10/2 अर्थात कितना आएगा, 5, है ना, 5% 6 माही आएगा। अब सूत्र हम रखते हैं मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूल धन एक धन दर बटा सौ, और क्या होता है, समय। मूलधन दिया है 50,000, एक धन दर, दर कितना दिया है 5% बटे 100, समय कितना दिया है 4, तो 50,000, 5 एकम 5, 5 विषम 100, तो 20 एकम 20, 20, यहां पर क्या बचेगा, 1/20 है, समय कितना 4, 20 एकम 20 21/20, 4 है इसको 4 में लिख सकते हैं, 21/20, 21/20, 21/20 और 21/20, यहां पर 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, यहां बचा 5, 21 21 21 सम, चलो पहले लिख देते हैं, 21 गुणित 21 गुणित 21 गुणित 21, यहाँ पर 2 2 4 4 2 8 8 2 कितना 16। अब क्या करेंगे, ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे 16 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, यहाँ पर 21 21 सम देखते हैं, 21 21 सम कितना होगा, 441, 21 21 सम कितना होगा, 441/16। अब क्या करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और 16 से भाग देंगे, इससे उत्तर प्राप्त होगा 6077.5.31 रुपया। यहां पर हमारा मूलधन कितना था, 50,000, हमारा जो मिश्र धन प्राप्त होगा 50,000 ऊपर प्राप्त होगा, ध्यान रखेंगे, है ना। तो हमारा कितना मिला, 60,775 रुपया 31 पैसा हमारा मिश्र धन प्राप्त हुआ।
आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, घनश्याम में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में एक वर्ष के लिए 40,000 रुपए सावधि खाते में जमा किया। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो अवधि पूर्ण होने पर कितनी रकम प्राप्त होगी यदि ब्याज 3 माह बाद संयोजित होता है। देखते हैं क्या क्या दिया है। दिया है घनश्याम में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में एक वर्ष के लिए 40,000 रुपया, यहाँ पर मूलधन दिया है, मूलधन 40,000 रुपया, ब्याज की दर दिया है 8%। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो अवधि पूर्ण होने पर रकम कितना प्राप्त होगा। यहाँ पर समय दिया है, प्रतिवर्ष बोला है तो एक वर्ष लिखेंगे, प्रति तिमाही संयोजित हो रहा है तो प्रति तिमाही संयोजित हो रहा है तो एक साल को तिमाही बदलेंगे, 3 माह 3 माह 3 माह 3 माह 4 बार है ना, 4 बार, तो समय में 4 को गुणा करेंगे, 4 तिमाही, और दर में 4 को भाग देंगे तो 8/4/4 कितना होगा, 8/2 तिमाही, ठीक है। अगर तिमाही संयोजित होता है तो 4 का गुणा और 4 का भाग देंगे, दर में 4 का भाग और समय में 4 का गुणा, 6 माही संयोजित होता है तो क्या करेंगे, 6 माह 6 माह 2 बार हो रहा है तो 2 का गुणा और 2 का क्या करेंगे, भाग करेंगे, अतः मिश्र धन निकालते हैं, मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन, मूलधन दिया है हमारे पास 40,000, एक धन, दर का मान कितना दिया है 2/100, समय कितना दिया है 4 40,000, 2 50 100, 40,000, 50 है, 51/50 कितना बार, 4 बार है, 51/50 51/50 फिर 51/50 और फिर 51/50, देखते हैं कितना जीरो कटता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गया, यहाँ बचा है 4 × 51 × 51 × 51 × 51 × 5 × 25 25 × 6 125, चलो 5 × 6 25 फिर 5 × 6 कितना 25। अब क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और अब यहाँ पर सभी राशि का गुणा करेंगे और 25 × 6 625 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो भाग करने पर 43,297.28 रुपया प्राप्त होगा, जो कि देख लो यहाँ पर मूलधन कितना था 40,000, उससे ज्यादा उत्तर आएगा मैं बताया था, तो कितना है 43,000 है ना, अतः मूलधन मिश्र धन प्राप्त हुआ 43,297.28। रमेश कुमार ने छत्तीसगढ़ विकास बैंक की एक शाखा में एक वर्ष के लिए 1,00,000 रुपया सावधि जमा खाता में निवेश करता है। यहाँ पर दिया है समय, एक वर्ष, मूलधन दिया है 1,00,000, ₹1,00,000 मूलधन है। यदि ब्याज की दर 10% दर दिया है 10% वार्षिक हो तथा ब्याज की गणना प्रति तिमाही की जाती है तो उस नियम तिथि के पश्चात कितनी रकम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ब्याज की राशि 3 माह प्रति तिमाह संयोजित हो रहा है तो मैं बता रहा दर में 4 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 2.5 तिमाही आएगा और समय में 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिमाही है ना, ये समय प्राप्त होगा और 2.5 तिमाही दर प्राप्त होगा। चलो मिश्र धन बराबर निकालते हैं, अतः मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन, एक धन, दर 100
और क्या होगा समय। मूलधन कितना है 1 लाख, एक धन दर कितना है 2.5 बटे 100, समय कितना है 4 है, तो कितना है ये 100 एक कम, या ऐसा करते हैं नहीं घटाते इसको, लघुतम आएगा कितना 100, 100 को गुणा 1 में 100 हो गया और 100 में 2.5 जुड़ेगा तो 102.5 कितना आएगा 4। चार बार लिखते हैं 102.5, 102.5, 102.5, 102.5 बटे इसमें 4 0 बढ़ा देंगे 1 2 3 4 कटाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ कितना बचा 102.5, 102.5, 102.5, 102.5, नीचे में कितना बचा है 10 बचा है। अब क्या करेंगे इतना का गुणा करेंगे और 10 से क्या करेंगे भाग करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो हमें 11,03,81.28 रुपये क्या होगा प्राप्त होगा, यही इसका क्या होगा मिश्र धन होगा। आज का चौथा क्वेश्चन है, भास्कर ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रायपुर शाखा में 1 सही 1 बटे 2 वर्ष के लिए 1 सही 1 बटे 2 वर्ष के लिए 50,000 रुपये की सावधि जमा किया, यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा ब्याज की गणना प्रति छमाही की जाती हो तो परिपक्वता तिथि पर कितना धन राशि मिलेगी। देखते हैं समय दिया है, क्या क्या दिया है समय, समय है 1 सही 1 बटे 2 अर्थात 3/2 वर्ष, और दर दिया है 12%, और मूलधन दिया है 50,000, 50,000 रुपया मूलधन दिया हुआ है। यदि ब्याज की गणना प्रति छमाही, यहां पर दिया है ब्याज की गणना 6 माह प्रति 6 माह करना है, इसमें क्या करेंगे 2 का गुणा और 2 का क्या करेंगे भाग, यहां पर समय में 2 को गुणा करेंगे तो 3/2 × 2, 2 कटेगा कितना होगा 3, 6 माही, इसमें 2 का भाग करेंगे तो 12/2 अर्थात 6% 6 माही। ठीक है चलो सूत्र हम रखते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है 50,000, एक धन दर, दर दिया 6/100, समय दिया कितना 3, 50,000 100 एकम 100, 100 और 6 कितना होगा 106/100, कितना बार है 3 बार 106/100 गुणित कितना 100, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 करके यहाँ बचा 5, 106/106/106 कितना बचा 100, कटाएंगे 5 एकम 5, 5 विषम 100, 2 दहम 20, 2 पंचे और 2 दिया 6 दिया, यहाँ पड़ जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दिया 6 यहाँ बचा 53 × 106/5। अब क्या करेंगे 53 × 106 को गुणा करेंगे, अब 5 से क्या करेंगे भाग देंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 59,550.80 रुपया प्राप्त होगा, यह हमारा क्या होगा अभीष्ट मिश्र धन होगा।